गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का विस्तास बुक का फोर्थ चैप्टर का फाइनल पार्ट, जिसका नाम है द इनेमी। और शुक्रिया दैट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मुझे भी एक्चुअली आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी फॉर अ मंथ एंड इन अ मंथ आई जस्ट गॉट नाइस। बट I also wish that you just continue to just subscribe my channel and press the bell icon so that you can just easily receive my all that videos whatever I'm just describing, maybe I'm explaining. Okay guys, so let's start. Perhaps Sadao said with difficulty. Sadao यानी कि ऊपर जो बात कही गई थी, क्या जो अमेरिकन प्रेजिडेंट था उसने क्या बोला था कि काश आपके जैसे ही सारे जापानीज़ लोग होते तो शायद हमारा जापानीज़ और अमेरिकन का जो वॉर हुआ था वो शायद ना होता। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी के साथ जो सदाव होते हैं वो कहते हैं शायद, परहैप्स। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो टू बेड, यानी कि उसके बाद सदाव बोलते हैं अब मुझे लगता है कि आपको बेड पर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बेक इन टू बेड एंड देन बॉड, यानी कि वो उनको उनके बेड पर लिटा देते हैं और थोड़ा सा झुक कर गुड नाइट कह देते हैं। कौन कह देता है? डॉक्टर सदाव। सदाव स्लेप बेडली दैट नाइट, उस रात सदाव बिल्कुल बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। टाइम एंड अगेन ही वो, लेकिन वो जाग भी रहे, हर बार वो जाग रहे थे बार बार। थिंकिंग, ये सोचकर ही हर्ड द रसलिंग ऑफ द फुट स्टेप्स, उन्हें पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, जिसे किसी लकड़ी की डंगाल कुछ टूट जाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। और अ स्टोन डिसप्लेस्ड इन अ गार्डन, और उन्होंने ये आवाज़ सुनाई दी कि उन्हें कोई स्टोन की आवाज़, मतलब जो जैसे जो पत्थर होता है यहाँ का वहाँ थोड़ा सा मूव हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, तो उसके लुढ़कने की आवाज़ या हटने की आवाज़ इस तरह से आई कि उन्हें लगा कि जो उन्होंने एसेशंस या जो जनरल टाकिमा है एसेशंस के बारे में बात की थी कि एसेशंस उसको मारने के लिए आएंगे, तो इस सोच के वजह से वो रात में सोया तो, लेकिन वो सही तरीके से सो नहीं पा रहा था। गाइज, आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए बीच में कि भाई आप इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बताने पड़ेंगे, आपको ये बताने पड़ेंगे कौन कौन सी आवाज़ आई थी। ठीक है, एक ये ट्विग ब्रोकन आई स्टोन डिस्प्लेड, ठीक है, और यहाँ आएगा रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते गाइस। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, तो इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ आदमी लोग, ठीक है, किसी बर्डन को लेकर जा रहे हैं। यहाँ बर्डन की का मतलब ये हो रहा है कि एक अमेरिकन जो प्रिजन है उसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर सदा हैं, उन्होंने जनरल टाकिमा से वादा कर दिया था कि हाँ आप एसेशंस भेज देना और वो इसको मार देंगे। तो हो सकता है उसे ऐसे ही लग रहा था, डॉक्टर सदाओ को ऐसे लग रहा होगा कि वो आए एसेशंस आए और उसको मार दिया और उसको पैक करके अपने कंधे पर उठा के ले जा रहे हो बर्डन की तरह, उनका इस तरह से कुछ मानना था। गाइस आगे चलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फास्ट इन टू द गेस्ट रूम, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या सोचा, सबसे पहले वो कुछ नहीं किया, सीधा किसी न किसी एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके कमरे में चले गए। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, तो डॉक्टर सदाव कहते अगर अमेरिकन मर गया होगा या अमेरिकन चला गया होगा तो वो सिंपली तरीके से सब सारी बात सच बता देंगे हाना को, जो कि उनकी और जनरल टाकिमा की बात हुई थी। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज अ शेगी ब्लॉन्ड हेड, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और देखा कि उनका जो सिर है तकिया उसके ऊपर और सिर थोड़े उसके नीचे है, ठीक है, और ये देखकर ही कुड हियर द पीसफुल, और उन्होंने उसकी मतलब एक शांत तरीके से सोने की ब्रीथिंग भी सुनी, ठीक है,
एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उन्होंने फिर दरवाज़ा शांत तरीके से बंद कर दिया। ही इज एस्लीप, वो सोए हुआ था। ही टोल्ड हाना, हाना को उन्होंने बताया, किसने बताया, डॉक्टर सदाओ बोलते हैं हाना से कि वो अमेरिकन बंदा अभी सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल स्लीप लाइक दैट, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉट शेल वी डू विद हिम, हाना उससे विस्पर होकर बोलती है, तो अब हमें इसका क्या, हम इसके साथ करेंगे क्या। सदाओ शॉक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टूडे, ही प्रोमिस्ड, ठीक है। तो उसने, डॉक्टर सदाओ ने हाना से वादा किया और कहा कि हम एक दो दिन में कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, और ये सिर को हिलाते हुए बोला था उसने। आगे चलते हैं। बट सर्टेनली, ठीक है, ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, तो फिर उसने सोचा कि अब जो सेकेंड नाइट है वो डेफिनेटली मर ही जाएगा, कौन, अमेरिकन बॉय। देयर वॉज अ विंड दैट नाइट, उस दिन रात में हवा बहुत तेज चल रही थी। एंड ही लिसन द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बर्फ्स एंड विसलिंग पार्टीशंस, और उस समय इन्हें किस तरह की आवाज़ें आ रही थी, बेंडिंग बर्फ्स के, बेंडिंग जो बर्फ्स होती है यानी कि हवा चलने की, और विसलिंग पार्टीशंस, ऐसे लग रहा कि कोई चीज़ एक दूसरे से टकरा रही हो। हाना वॉक टू, उस समय हाना भी जाग गई, और वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन पार्टीशन, ठीक है, शी आस्क्ड, तो वहाँ पर हाना उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ, जाग गई। और जब वो जागी तो उसने डॉक्टर सदाओ से बोला, क्या हमें उस यंग मैन के पास नहीं जाना चाहिए, ये उसका दरवाज़ा बंद करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सदाओ बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। बट द नेक्स्ट, क्यों बोला, क्योंकि सदाओ को पता था कि हो सकता है इस रात ये चले गए होंगे, क्योंकि असेशंस आए होंगे और मार रहे होंगे, तो शायद इस वजह से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आ रही हो, लाइक दैट, ठीक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, नेक्स्ट मॉर्निंग भी उस समय भी अमेरिकन बॉय वहाँ पर था। द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो डॉक्टर सदाओ बोलते तीसरी रात में तो डेफिनेटली ये ख़त्म होना ही है। द वाइन चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रीपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, ठीक है। तो उस समय बारिश रात तीसरी रात बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और बारिश की बूंदें जो गिर रही थी बहुत, उसकी आवाज़ भी वहाँ हो रही थी, और रनिंग स्प्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ था सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा सदाओ बहुत अच्छे तरीके से सोया हुआ था, बट ही वॉक, लेकिन वो जाग गया एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट, ठीक है। तो मतलब जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनकर जागा, तो ऐसा लग रहा था कि किसी की खटपट खटपट करने की आवाज़ें शायद आ रही हैं, जैसे लीप्ड या छलांग मारने की आवाज़ आ रही हैं, कोई जंप कर रहा है इस तरह से। व्हाट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, ये क्या है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस, और वो जो बच्चा जो था हाना की आवाज़ सुनकर वो भी जाग गया और वो रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, उन्होंने, हाना बोलती मुझे, हम लोग को जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसने, जो डॉक्टर सदाओ थे, उन्होंने हाना का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। सदाओ शी क्राइड, सदाओ ने कहा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारे साथ, व्हाट्स द मैटर विद यू, डोंट गो, ही मटर्ड, उसने कहा कि बाहर मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ, बाहर मत जाओ, ठीक है। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, यानी कि उसका जो डर था उसको इन्फेक्टेड कर रहा था, यानी कि उनको भी डरा रहा था हाना, डॉक्टर सदाओ का जो डर था वो हाना को भी डरा रहा था। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो वहाँ मतलब बिना सांस लिए एकदम खड़ी रही, वेटिंग करती रही, ठीक है। देर वॉज ओनली साइलेंस, शांत वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, दोनों लोग साथ में आराम से मतलब फिर सो गए, ठीक है, बेड पर। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा उनके बीच में। येट वेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देर वॉज द यंग मैन, फिर भी उसने जब दरवाज़ा खोला तब देखा, तब भी वो यंग मैन वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, गे मतलब खुश होना। एंड हैड ऑलरेडी वॉच्ड हिम वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और उसने मतलब वो नहा भी चुका था, वो अपने पैरों पर भी खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, क्योंकि उसने कल रेजर मांगा हुआ था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, एंड टुडे देर वॉज अ फेंट कलर इन हिज
चीक, ठीक है। तो उसने कल रेज़र भी मांगा था, रेज़र मांगने के बाद उसने क्या किया, शेविंग कर ली। शेविंग करने के बाद उसके चेहरे पे थोड़ा सा लालीपन आया था, यानी कि थोड़ा सा ठीक लग रहा था। ठीक, आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, यानी कि जो बॉय था उसने बोला डॉक्टर सदाओ से कि मैं बिल्कुल सही हूँ, खुशी से बोला। सदाओ ड्रू हिज किमोनो, सदाओ जो कि अपना किमोनो पहने हुए थे, बड़ा लंबा जो होता है, राउंड हिज वेरी बॉडी। ठीक है, ही डिसाइडेड सडनली ही गो थ्रू अनदर नाइट। ठीक है, तो उसने अब उसने ये सोचा कि अब हम एक रात भी वेट नहीं कर सकते। इट वॉज़ नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, और ये इसलिए नहीं था कि वह उस आदमी की परवाह कर रहा था। सिंपली इट वॉज़ नॉट वर्थ टू स्ट्रेन, यानी कि मतलब ऐसा नहीं था कि वो उसकी मदद करना चाहता था, वो बस ये चाह रहा था कि बस एक रात और हम वेट नहीं कर सकते हैं, अब इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। यू आर वेल, तो सदाओ एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ चलो तुम तो ठीक हो। ही लॉर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ा कम करते हुए बोला, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शॉर्ट टू नाइट। वो बोलते हैं डॉक्टर सदाओ यंग मैन से बोलते हैं, तुम तो अब ठीक हो, मुझे अगर मैं तुम्हारे लिए एक बोट समुद्र किनारे रख दूँ आज रात में, तो और उसमें फूड रख दूँ और एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रख दूँ उसमें, ठीक है, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और तुम यहीं पे करीब, यहाँ से बहुत थोड़े से करीब आइलैंड बने हुए वहाँ पर पहुँच जाओ। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, और वो नियर से हमारे जो कोस्ट है उससे नियर भी है, ठीक है, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ द फोर्टिफाइंग। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर इतना ज़्यादा ओड भी नहीं लगेगा, ठीक है, नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज, और वहाँ पे कोई नहीं रहता है बिकॉज इन स्टॉर्म, ठीक है, इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड। हाँ, तूफान भले ही आता है तो वो भर जाता है, वो डूब जाता है, लेकिन अभी तो तूफान नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तूफान नहीं आता तब तक तुम वहाँ पर आराम से रह सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीज़न नहीं है स्टॉर्म का। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट, तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक तुम वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट नहीं देख लेते हो जो वहाँ से गुजर रहा हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो वहीं से उसी आइलैंड के पास से गुजरते हैं, क्योंकि वाटर इज़ मैनी फैथम डीप देयर, क्योंकि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा डीप में रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग अच्छी हो जाती है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, यानी कि जो यंग मैन था वो उसने उसको घूरा, ठीक है, किसको, डॉक्टर सदाओ को घूरा, और स्लोली समझते हुए बोला, डू आई हैव टू, ही आस्क, क्या मुझे जाना होगा, तो ही आस्क, किसने, यंग मैन ने डॉक्टर सदाओ से बोला कि मुझे जाना होगा, आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने जेंटली तरीके से बोला, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम समझते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, और ये छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कम्प्रिहेंशन, यानी कि उसने अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया, ओके, ही सेड सिंपली, ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, ठीक है, तो जो सदाओ थे उन्होंने इवनिंग तक वो तो नहीं देख पाए, एज सुन एज ही इट, सदाओ उसको इवनिंग तक नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि सदाओ कुछ खरीदने में बिजी था। एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टॉट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, ठीक है, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, डॉक्टर सदाओ दिन के टाइम निकल गए थे, उन्होंने फूड लिया और उसमें कुछ कपड़े हैं उसमें रख दिए, किसमें, नाव में रख दिए, ठीक है, और उन्होंने सीक्रेटली तरीके से दिन में कुछ पानी की बोतल ख़रीद ली थी, ठीक है, एज वेल एज टू क्वेल्स और दो रज़ाई, ही हैड बॉट अ पॉन शॉप, एक दुकान होती है, ठीक है, जहाँ से ये कुछ चोरी छुपे कोई मतलब सामान खरीद सकते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, ठीक है, और जो
बोट को इन्होंने मतलब एक द बोट ही टाइड, ठीक है, जिस बोट को इन्होंने टाइड किया था टू अ पोस्ट इन द वाटर, वाटर में डालने के लिए, ठीक है, फॉर द टाइड वॉज हाई, ठीक है, देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि भाई आप ये नाव है लेकिन इसमें यहाँ तो कोई लाइट नहीं है ना कुछ, और ना तो आज तो चांद भी नहीं निकला है और चांद निकलेगा भी नहीं, तो विदाउट फ्लैश लाइट आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन ही केम टू हाउस, ठीक है, जब वो घर आ गया, ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड सो हाना न्यू नथिंग, ठीक है, जब वो घर वापस आया तो मतलब ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, यानी कि वो अपने काम से वापस ही आया हुआ था एंड हाना कुछ नहीं जानती थी कि हुआ क्या। यूमी वॉज हेयर टूडे, तो वो बोलती कि यूमी घर पर है। शी सेड एज शी सर्व हिज सपर, यानी कि जब वो अपना यानी कि जो हाना है डॉक्टर सदाव को उनका खाना दे रही है, तब उन्होंने ये बात बोली कि हाना यहाँ थी, ठीक है, आई थी हाना। दो शी वॉज सो मॉडर्न, ठीक है, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, ठीक है, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, यानी कि जो हाना थी, ठीक है, कौन थी हाना, शी वॉज सो मॉडर्न, अच्छा ओके, इसमें यहाँ बात हो रही हाना की, हाना मॉडर्न बहुत थी लेकिन एक वहाँ कस्टम ये था कि जिस तरह से आप आजकल आप लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में जैसे एक वाइफ है आपके, अगर उनका हस्बैंड खाना नहीं खाता तब तक वो खाना नहीं खाते, तो पहले हस्बैंड खा लेगा उसके बाद खाते, तो यही हाना मॉडर्न तो थी लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी वो, शी स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, यानी कि वो अभी भी उनके साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, ठीक है, या फिर उसके बाद जो खाना दे रही हैं सफ़र कर उसको सर्व कर रही हैं, डॉक्टर सदाव को ये भी बताती आ रही कि यूमी जो आई थी वो बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा रोई, शी वेंट ऑन विद अ साइन, ठीक है, और शी मिसेस हिम सो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको मिस करती है बच्चे को। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाव सेड, सदाव ने बोला कि सर्वेंट भी जैसे ही जाएगा बच्चे जो भी सर्वेंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, ठीक है, तो वो गेस्ट रूम में गया जब वो सोने जा रहा था, उससे पहले वो गेस्ट रूम में गया। ही चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, उसने टेम्परेचर चेक किया अमेरिकन का। द स्टेट ऑफ द वॉन्ड, ठीक है, जो जख्म की कंडीशन थी वो ठीक थी एंड हिज हार्ट एंड पल्स वो भी ठीक थी। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, थोड़ी सी इरेगुलर थी लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, यानी कि जो भी इसके जो जख्म थे, ठीक है, वो ठीक हो गए थे, बस थोड़ी सी आइज में भी नेक गर्दन थोड़ी सी लाली टाइप का था, यानी कि लाल था गर्दन में जो निशान थे उसके थोड़े से लाल थे, यानी कि थोड़ा सा ब्लडी। आगे देखते हैं। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, ठीक है, जो लड़का था वो बोलता है मैं मानता हूँ मुझे लगता है आप मेरी लाइफ को फिर से दोबारा बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारे यहाँ रहना हम लोग के लिए खतरा है अगर तुम यहाँ पर रहोगे। ही हैड हेजिटेट अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, ठीक है, तो डॉक्टर सदाव उस आदमी को जो एक लड़का होता है वो क्या करते हैं ये एक फ्लैश लाइट वो देते हैं, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, ठीक है, एक उसके जो घर की फ्लैश लाइट थी, ठीक है, टॉर्च थी वो उन्हीं की थी, लेकिन वो हेजिटेट होते उनको देने के लिए, लड़के को देने के लिए, लेकिन वो डिसाइड कर ही लेते कि उसको दे ही दें आखिरकार। इट वॉज अ स्मॉल वन, ये एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी हिज ऑन, जो कि उसकी खुद की थी, विच ही यूज एट नाइट वेन ही वॉज कॉल्ड, ठीक है, जब वो कहीं जाता था तो उसको ले जाता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, तो बोलते अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए, अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो क्या, तो आपको क्या करना है, ही सेड, अगर तुम्हारा खाना
ख़त्म हो जाए, इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच द बोट, ठीक है, यानी कि कोरियन जो बोट आएगी फिशिंग बोट, अगर वो तुम्हें ना मिले और तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, ठीक है, तो मुझे ऐसे इस टाइम सिग्नल, मतलब सिग्नल देना जब सूरज डूबने की कगार पर हो, डूब रहा हो, ठीक है, डोंट सिग्नल इन डार्कनेस, रात में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, अदरवाइज आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको इसको देख लिया जाएगा, इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम सही हो बट स्टिल देयर, लेकिन वहीं हो, सिग्नल मी वंस, सिर्फ मुझे एक सिग्नल देना, ठीक है, यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, वो बोलता अगर तुम्हें, जैसे अगर तुम्हें फिर भी खाना ख़त्म हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फ्रेश फिश वहाँ से पकड़ लेनी है और उसको आपको खाना पड़ेगा, लेकिन कच्चा खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आग जलाओगे तो आग दिख जाएगी। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन सांस लेते हुए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो ये याद रखना, अगर उसने क्या बोला डॉक्टर सदाओ ने, अगर आपका खाना ख़त्म हो जाए तो आप सूरज के जब डूब रहा हो, सूरज शाम का टाइम हो, तो आप मुझे दो फ्लैश लाइट देना, तो और अगर अगर आप वहाँ ठीक हो और सब कुछ ठीक है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फ्लैश लाइट देनी है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, आगे चलते हैं। देन यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शॉक सदाओज हैंड वार्मली, यानी कि बिना किसी शब्द के अमेरिकन लड़के ने सदाओ का हाथ पकड़ा और मतलब हाथ सदाओ से हाथ मिलाया, एंड देन वर्कड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, ठीक है, तो वो क्या हुआ उस तो फिर गार्डन से होते हुए वो सीधा सीधा निकल गया, ठीक है, कहाँ निकल गया, अब डार्कनेस ऑफ द गार्डन, वंस ट्वाइस, एक बार और, सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, ठीक है, सदाओ ने देखा जैसे वो मतलब अपनी बोट को नदी में समुद्र में उतारता है, यानी कि समुद्र के किनारे, तो आगे जब तक वो जाता है तो अपनी फ्लैश लाइट को दो बार जलाता है, कौन, अमेरिकन बॉय, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, दो बार तो चलो कोई बात नहीं है, सदाओ बोलते हैं, ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज नो वन मोर फ्रेश फ्लैश, यानी कि सदाओ तब तक वहाँ खड़े होकर उस किनारे वहाँ पर देखते रहते समुद्र के किनारे को, कि जब तक एक भी फ्लैश और नहीं जल जाए, मतलब एक भी फ्लैश नहीं जली, ठीक है, सदाओ देखते रहते कि वो जा रहा है, ठीक है, देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप, और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उसके बाद वो उस साइड रात सोते हैं, यू से द मैन स्केप्ड द जनरल, उसके बाद जब ये जनरल के पास जाते हैं तो इन्होंने बोला यू से द मैन स्केप्ड द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, जनरल का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था तो वो जेंटली तरीके से बोलते हैं, यानी कि फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली थोड़ी बेहोशी टाइप में, ठीक है, ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, उसका ऑपरेशन, किसका ऑपरेशन, जनरल, गाइज अभी ये एक बात थोड़ी सी अपोजिट है, आपको समझा दें, ये जो लिख रहा है यू से द मैन एस्केप्ड, इसका आंसर थोड़ा सा नीचे आएगा, ओके गाइज याद रखना, आगे चलते हैं। तो जो जनरल टाकिमा है उनका जो ऑपरेशन हुआ था एक हफ्ते पहले हुआ था, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, वो एक ऑपरेशन था इमरजेंसी जिसके लिए सदाओ को रात में बुलाया गया था, ठीक है, फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, यानी कि 12 घंटे तक सदाओ को ये लग रहा था कि जनरल अब बचने वाले नहीं है, द गैल ब्लेडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड, गैल ब्लेडर यानी कि एक जो शायद ब्लेडर तो शायद उनकी हार्ट के पास कुछ ब्लेडर होता है, गैल ब्लेडर जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, ठीक है, उसके बाद उसमें उसने उनको जब केयर कर दिया तो फिर क्या हुआ, सदाओ जो डॉक्टर सॉरी जो जनरल टाकिमा थे, जनरल टाकिमा सही हो गए और उन्होंने लंबी सांस लेते हुए फिर उसके बाद उन्होंने खाना भी मांगा, सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेशंस, सदाओ का उस समय मन नहीं कर रहा था, तो इतना उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि असेशंस के बारे में वो उनसे बात करें, सो फॉर एज ही न्यू, जैसे कि उसको पता था दे हैड नेवर कम, ठीक है,
उसे लग रहा था कि वो अब आएंगे ही नहीं. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम. ठीक है, थ्रोली जो सर्वेंट्स थे वापस आ गए थे. यूमी ने उस घर को पूरे तरीके से साफ कर दिया था एंड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट. और जो यूमी थी उसने सल्फर जला दिया था जिससे जो वाइट मैन के जो जर्म्स वगैरह हैं, जो स्मेल वगैरह, वो भी सारी गायब हो गई थी. नो बडी सेड एनीथिंग. किसी ने कुछ नहीं कहा. ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस. उस समय बस गार्डन थोड़ा सा गुस्से में था बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज चेरी सिंथेमम्स. ठीक है, यहाँ पर एक बात हो रही है. तो ये एक प्रकार का एक फ्लावर्स है. क्या है? फ्लावर्स. जैसे हमने बात की, जैसे चेरी सेंथेमम्स, ये एक प्रकार का फ्लावर्स है. तो थोड़ा सा जो गार्डनर था इस वजह से गुस्से में था, थोड़ा सा नाराज़ था कि उसका जो वो टाइमिंग था जब इस फ्लावर्स को ग्रो कर सकता था, लेकिन वो टाइम अब गुजर गया, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में है. ठीक है, बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर. तो हफ्ते बाद जो जनरल हैं वो सही थे और सदाव को लगा कि अब अच्छा टाइम है इनसे बात करने का. तो गाइस, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था ना, तो यस द मैन एस्केप्ड. ठीक है, यही इसलिए पूछा था क्योंकि क्या बोला था इन्होंने क्वेश्चन, डॉक्टर सदाव से पूछा गया था. ठीक है, क्या पूछा गया था? क्या वो आदमी जा चुका है? तो यहाँ पर सदाव आंसर दे रहे, यस एक्सलेंसी, हाँ ही एस्केप्ड, हाँ वो जा चुका है. सदाव नाउ सेड. ठीक है, ही कफ्ड. कौन? यानी कि जनरल टाकमक ने थोड़ा सा खांसा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड. ओके सॉरी, यानी डॉक्टर सदाव थे थोड़ा खांसते हुए बोलते, यानी कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सारी बात बड़ी मेहनत, मतलब एक दृढ़ संकल्प के साथ उनके सामने कह दे. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. ठीक है, तो अनविलिंगली तो थोड़ा सा जनरल डिस्टर्ब हुए, बट द ओल्ड मैन ओपेंड हिज आइज सडनली. ठीक है, फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपनी आंखें खोली, यानी कि ओल्ड मैन की बात हो रही है यहाँ पर जनरल की. दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पर जनरल टाकेमा बोल रहे हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था ये कि मैं उसको मरवा दूंगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट ऑल. तो यू डिड एक्सेलेंसी, सदाव सेड. वेल, तो उसने कहा, यानी कि डॉक्टर सदाव बोलते, आपने तो बिल्कुल कहा था. तो जनरल टाकेमा यहाँ क्या बोल रहे हैं? वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट. तो उसने बड़ी अमेजमेंट यानी कि बड़े शॉक मैनर में पूछा, सो आई डिड, अच्छा मैंने कहा था, बट यू सी आई वॉज सफरिंग. लेकिन यहाँ जनरल टाकमा डॉक्टर सदाव से बोले, लेकिन तुम देख ही रहे हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील. मैं एक मतलब कितना परेशान था बीच में. द ट्रूथ इज़, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. मैंने कुछ नहीं सोचा सिवाय अपने बारे में. इन शॉर्ट, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और मैं उसके प्रॉमिस जो मैंने तुमसे किया था मैं उसके बारे में भूल गया. आई वॉन्डर्ड योर एक्सेलेंसी. तो वो डॉक्टर सदाव बोलते, सर मैं जानता हूँ. सदाव मरमर, सदाव थोड़े से बड़बड़ाते हुए बोले, इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. तो जनरल टाकिमा बोलते, ये तो मेरी बहुत बड़ी लापरवाही हो गई, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डायरेक्ट लिक्शन ऑफ ब्यूटी. तो डॉक्टर सदाव को बोला जा रहा है जनरल टाकिमा के द्वारा कि वो ये बोल रहे हैं कि तुम जानते हो, और ये तो मेरी एक लेकनेस थी, ये मेरी देशभक्ति, इसमें ये मेरी कोई देशभक्ति की कमी नहीं थी और ना ही मेरी ड्यूटी की कमी थी. ही लुक्ड एंजाइटली एट हिज डॉक्टर. ठीक है, यानी कि जो जनरल टाकिमा होते वो अपने डॉक्टर को बड़ी चिंता के साथ देखते हैं. यार वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए, आप इन्हें ड्यूटी ना कर पाने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि इनको जनरल टाकिमा को. इफ़ द मैटर शुड कम आउट, यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू. तो जनरल टाकिमा बोल रहे हैं, मैटर अगर बाहर आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम समझ रहे हो ना? सर्टेनली. तो वो बोलते, सच में बिल्कुल योर एक्सेलेंसी.
सदाव सेट, सदाव समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ अभी इनके हाथ में आ गए, जनरल टक में इनके हाथ में आ गए, क्योंकि उनकी एक केयरलेस की वजह से उन्होंने तो उसको पहुंचा दिया, ठीक है, उसको तो आदमी को तो पहुंचा दिया, लेकिन ये जनरल टाकेमा थे वो एक रिस्क में आ गए थे, क्योंकि वो अपने जो प्रॉमिस कर रहा था उन्होंने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज एंड इन दैट एज कन्क्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। ठीक है, उन्हें पता चल गया था जनरल उनके हाथ में आ गए और वो अपने तरीके से पूरे जो डॉक्टर सदाव अब पूरी तरीके से सेफ हैं। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी। तो डॉक्टर सदाव बोलते, सर मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खाकर बोलता हूँ। ही सेड टू ऑल जनरल एंड यू योर जील अगेंस्ट द एनिमी। ठीक है, और आपका जो जील है अगेंस्ट द एनिमी के, मैं सारी बात को समझता हूँ। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड। जनरल ने ऐसी थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बोला कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आँखें बंद करी। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्यूलाइटेड सी दैट नाइट। उस समय डॉक्टर सदाव जो थे वहाँ पर जो समुद्र में रात में खड़े हुए थे, समुद्र के पास खड़े हुए थे रात में, और वो ये देख रहे थे कोई मतलब वहाँ पर स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्यूलाइट, ठीक है, कोई स्पॉट वगैरह मिल जाए। ठीक है, ही हैड स्पॉट का मतलब कोई टॉर्च के जलने की तो निशान मतलब नहीं दिख रहे ना, कोई टॉर्च तो नहीं जल रही है, वो बार बार वो देख रहे थे। हैड हिज रिवॉर्ड, देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। ठीक है, उस समय वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी, नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कोई था ही नहीं। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो प्रिजनर है वो जा चुका था। सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड वॉर्न हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। ठीक है, और जैसे कि उसने बोल दिया था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिशिंग कोरियन फिशिंग बोट को के लिए तुम्हें वेट करना होगा, हो सकता है उसको वो मिल गई हो। ठीक है, ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांदा, यानी कि वरांदा पे वो कुछ देर तक खड़ा रहा, गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। तो वो उसी वरांदा में खड़ा हुआ था जहाँ से वो आदमी पहली बार एक रात में उनके समुद्र के पास, उनके घर के पास आ गया था। एंड इन टू हिज माइंड, और उनके दिमाग में एक बात चली, ऑल दो विदाउट रीज़न। ठीक है, देयर कम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। ठीक है, तो वाइट फेसेस का मतलब यह हो गया कि वाइट फेसेस यानी कि उसका जो वाइट चेहरा था यंग मैन का, वो उनके दिमाग में आ गया। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना। सॉरी, उस प्रोफेसर का चेहरा भी याद आ गया था, यानी कि वो खड़े खड़े ये सारी बातें सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? उन्होंने ये सोचा कि जो प्रोफेसर थे हैड मेट हैना, जहाँ वो हैना से मिले थे, अडल मैन, ठीक है, एंड हिज वाइफ हैड बीन असली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी जो वाइफ थी उस आदमी की, प्रोफेसर की, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन भले ही वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। उन्हें अपने एनाटॉमी की जो टीचर थे अमेरिका में, उनकी भी उनको भी मिस किया। हु हैड बीन सो इंसिस्टेड ऑन मर्सी विद द नाइफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फेट एंड स्लेटर्नली लैंडलेडी। ठीक है, उन्होंने एक लैंडलेडी के बारे में बात की, ठीक है, जिस जो फेट थी और स्लेटर्नली टाइप की थी। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। बड़ी मुश्किल से उन्हें अमेरिका में जगह मिली थी रहने के लिए, ये सारी बात सोच रहे, बिकॉज ही वॉज जैपनीज, क्योंकि वो जैपनीज थे। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रिजुडाइस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। ठीक है, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जो अमेरिकन है बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइस हैं, और बड़ा वहाँ पर इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और वहाँ पर बिटर यानी कि बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता वहाँ रहने के लिए, नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। उनको मतलब उनको वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वोमेन हु हैड एट लास्ट कंसिडर्ड, ठीक है, कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। ओके,
सो गाइस यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, एक बार और हम आपको पढ़ के बता देते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि हाँ यहाँ से जैसे हमने आपको बताया था कि वहाँ जो डॉक्टर सदाव हैं, डॉक्टर सदाव बता रहे हैं कि उन्हें जब वो अमेरिका गए थे तो उन्हें किन तीन लोगों के बारे में वो बताना चाह रहे, वो कौन तीन लोग थे जो उन्हें मिले थे। पहला तो है, सबसे पहले इन्होंने एक याद किया था, ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फेट एंड स्लेटनली लैंड लेडी, यानी कि जहाँ जिस मकान में रह रहे थे उस औरत का इन्हें एक चेहरा याद आया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, वहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल होता था वहाँ पर अमेरिका में इनको जगह मिल जाना, क्योंकि ये अमेरिकन थे, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, ठीक है। द अमेरिकन वर्ड फुल ऑफ प्रेजुडाइज, अमेरिकन बहुत थोड़ा सा, प्रेजुडाइज का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते। इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और वहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता वहाँ पर रहने के लिए। नोइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को जानते थे कि वो मतलब उनकी वो सुपीरियर हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइट द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड द हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, तो किस तरह से उसने इनको रहने के लिए अपने मेजरेबल होम, यानी कि बहुत जहाँ रहने का मन न करे उसमें रहने के लिए बोला था चलो रह लो। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, उसने एक बार कोशिश भी की कि वो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगा, बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड, ठीक है, हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, यानी कि एक बार डॉक्टर सदाव को इन्फ्लुएंजा हो गया था और तो बताए थे कि उन्होंने मेरी मदद की थी, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट था, फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, कि उसके काइंडनेस को वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, बड़ा उनका दे पाना बड़ा मुश्किल होता था, यानी कि वो उनको इज्जत दें ये दे पाना डॉक्टर सदाव के लिए बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो फिर भी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था और उस लेडी ने उनकी हेल्प की थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड, यूथफुली हैगर्ड यानी कि हैगर्ड मीन्स थका मारा, एक अपने प्रिजनर को याद करते हैं, प्रिजनर यानी कि जो वाइट मैन था, अमेरिकन था, वाइट एंड रिपल्सिव, ठीक है, और वाइट यानी कि इनएक्टिव टाइप का था बंदा, ये सारे लोगों को याद करते हैं। स्ट्रेंज, बोलते कितना अजीब है, मतलब डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि ये कितना सारा अजीब है, कि आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं उसे मार क्यों नहीं सका। ये था आपका फाइनल पार्ट और होप सो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को प्लीज़ जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है एक बार मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।